जामुन की ट्रेन पर चुड़ैलों का अटैक। Hey guys, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। माहिरा जरा अपना टाइम देखो, टाइम हमने तुम्हें कब आने के लिए कहा था? हम लोग कितना भी टाइम से आ जाए, माहिरा कभी भी टाइम से नहीं आती है। ओ, अब मैं आ तो गई हूँ। चलो बताओ क्या बात थी जो तुमने इतनी अचानक से बुलाया? दरअसल बात यह है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हो और मुझे अब बता रहे हो? अरे यार, घूमने जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अभी ही जा रहे हैं, 2 दिन बाद। आज टिकट बुक करवाने जाना है। तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा क्या? ये देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दिशा न्यूज़पेपर में छपी हुई जामुन की ट्रेन और उसकी न्यूज माहिरा को पढ़कर सुनाती है। सरकार द्वारा बनवाई गई इस जामुन ट्रेन का सभी लाभ उठाइए। इस ट्रेन की अभी टिकट बहुत सस्ती है। इसमें आपको जामुन की कई सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और आपका ये सफर बहुत यादगार होगा, जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। गाइस, तुमने इसकी दूसरी न्यूज नहीं पढ़ी? मैंने सुना था कि इस ट्रेन को जब चलाया गया था तो इसके अंदर बैठे हुए सभी पैसेंजर्स स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गए थे और इस ट्रेन का हाल भी बहुत बुरा था। माहिरा, तुम इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? जब हम तुम्हारे साथ हैं तो इसमें डरने की क्या बात है? देख माहिरा, मैं तेरा कोई भी बहाना नहीं सुनने वाला। मैं शाम को टिकट करवाने जा रहा हूँ और तू हमारे साथ चलेगी ही चलेगी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। माहिरा की कोई बात नहीं सुनता। वो सभी दोस्त जामुन ट्रेन की ट्रिप करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रंजीत उस रात को ही सभी दोस्तों की टिकट बुक करवा देता है। 2 दिन बाद वो सभी अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। देखो, तुम्हारे कहने से मैं चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तुम्हें और कोई समय नहीं मिला। रात के 12 बजे की ट्रेन करवानी जरूरी थी। अरे यार, इस रेडियो FM को कोई चुप करवाओ, नहीं तो ये पूरे रास्ते भाषण देते हुए चलेगी। ओ गाइस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे यार, तुझे मैं समझाता हूँ। सफर करने में सबसे बेस्ट टाइम रात का ही होता है। रात को ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी तो इस जामुन की ट्रेन में सफर करने का मजा 2 गुना हो जाएगा। और ये देख मैं क्या लेकर आया हूँ। ये एक स्पीकर है, धूम मचा देंगे हम लोग जामुन की ट्रेन में। घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने की आवाज आ जाती है। बल्ले बल्ले, वो देखो हमारी ट्रेन आ रही है, जामुन की स्पेशल ट्रेन। ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाती है, जिसके अंदर से जामुन जैसे बने हुए कपड़े पहनकर सुंदर सुंदर कुछ लड़कियां बाहर आती हैं और हर डिब्बे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। आपका जामुन ट्रेन में स्वागत है। जामुन ट्रेन के अंदर बैठने से पहले ये जामुन जो बहुत लजीज है, ये कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमारी तरफ से आपके लिए। अरे वाह, देखा हमारा कितना अच्छे से स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल रॉयल वाली फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच आपका। यार कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, मेरा मन कर रहा है कि इनमें से किसी को पटा लूं। अबे तू चुप रह, अगर तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना तो माहिरा तेरी जान निकाल देगी। सारे दोस्त जामुन की ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अंदर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर उनकी सीट इतनी कंफर्टेबल होती है कि वो बहुत खुश होते हैं और चारों तरफ ट्रेन को देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो वो किसी जामुन के अंदर बैठे हो। वहीं दूसरी तरफ उनकी सीट के पास एक बटन लगा होता है। और ये बटन किस लिए है? इस बटन को दबाते ही आप अलग अलग टाइप की जामुन डिशेस ऑर्डर कर सकते हैं। बस आपके यहाँ लिस्ट में लिखी हुई जामुन की डिशेस के नाम बताने होंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं इस बटन को अभी दबाता हूँ। रोहित ऐसा कहकर उस बटन को दबाता है और फिर लिस्ट में लिखे हुए नाम को पढ़ता है। जामुन शेक। रोहित के इतना कहते ही वहाँ एक बॉक्स के अंदर जामुन शेक निकल कर बाहर आता है। अरे वाह, कमाल की जामुन ट्रेन बनाई है, कसम से मजा ही आ गया। रोहित इसके बाद अपने स्पीकर में गाने ऑन करता है और अपने सभी दोस्तों के साथ जामुन ट्रेन का लाभ उठाते हुए सफर करता है। जामुन ट्रेन के अंदर जामुन की भी एक अलग ही खुशबू आ रही थी, जिससे ट्रेन में सफर कर रहे सभी यात्री बहुत खुश थे। कुछ दूरी पर चलने के बाद जामुन ट्रेन की पटरी जंगलों के बीच से गुजरने लगती है। माय गॉड, कितना बड़ा घना जंगल है। इस जंगल को देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अभी तक तुम्हें कुछ अच्छा लगा ही नहीं है। दिशा के इतना कहते ही ट्रेन को एक बहुत तेज झटका लगता है और ट्रेन का इंजन अचानक से बंद हो जाता है। अरे, ट्रेन क्यों रुक गई? तभी उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी ट्रेन की छत पर कोई चढ़ रहा हो। दिशा, मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है? माहिरा और दिशा डरने लगते हैं, तभी एक भागते हुए पैसेंजर चिल्लाता हुआ जाता है। अरे अपनी अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से, क्योंकि भयानक चुड़ैलों ने जामुन ट्रेन पर अटैक कर दिया है।
उस पैसेंजर के चिल्लाने पर पूरी ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जामुन ट्रेन की छत को फाड़ कर चुड़ैल ट्रेन के अंदर कूद जाती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। चुड़ैलों के हाथ में से एक चिंगारी जैसी रोशनी निकल रही होती है। वो जिस भी इंसान के ऊपर पड़ती है वो इंसान जामुन में बदल जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उसे खा जाती है। इंसानों को जामुन बनाकर उनका स्वाद कितना स्वादिष्ट लगता है। चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दे, मैं तो पछता रही हूँ इस जामुन ट्रेन में सफर करके। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको जामुन बनाकर खा जाऊंगी। इधर चुड़ैल एक एक करके सभी इंसानों को जामुन बनाकर खाने लगती है, तो उधर सभी दोस्त बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। हमें यहाँ से किसी तरह निकलना ही होगा। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं पता ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। मैंने तुम सबको कहा था ना, कहा था मैंने तुम सबको, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हिम्मत रखो, हम सब बच जाएंगे। रोनित चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है और खिड़की की तरफ खड़ा होकर कहता है, कोई नहीं बचेगा, अब ये सारी चुड़ैल हमें नोच नोच कर खा जाएंगी। तभी खिड़की के शीशे को तोड़कर एक बहुत भयानक भूतिया हाथ खिड़की के अंदर से निकलकर रोनित को बाहर की तरफ खींच लेता है। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, हे भगवान, ये क्या था, रोनित कहाँ चला गया हमारी आंखों के सामने से। चुड़ैलों ने तो पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लिया है, उनके अटैक से अब कोई नहीं बचेगा, हमें यहाँ से किसी तरह भागना होगा। रोहित, रंजीत, दिशा और माहिरा किसी तरह ट्रेन के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते वो ट्रेन से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। लगता है हमारे सिर से खतरा टल गया है। खतरा तो तुम्हारे सर पर अब मंडरा रहा है, तुम्हारे अंदर की ये जामुन की खुशबू मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाई। चुड़ैल ऐसा कहकर रोहित को पकड़ती है, जिसके बाद रोहित जामुन में बदल जाता है और चुड़ैल उसे खा जाती है। रोहित को खाने के बाद चुड़ैल दिशा और रंजीत की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी तरफ मत देखो, भागते चलो, हमें अपनी जान बचानी है। माहिरा के कहने पर दिशा, रंजीत और माहिरा तीनों ही भागने लगते हैं, लेकिन वो भयानक चुड़ैल रंजीत को किसी तरह पकड़ लेती है। तभी भागते हुए माहिरा दिशा से कहती है, ट्रेन के अंदर बैठने की वजह से हमारे शरीर से जामुन की खुशबू आ रही है और ये चुड़ैल उसी की तरफ आकर्षित हो रही है, हमें अपने कपड़े उतार कर फेंकने होंगे। माहिरा और दिशा को कीचड़ दिखाई देता है, वो दोनों उस कीचड़ में गिरकर जामुन की महक को धो लेती हैं और वहां से भागते हुए जैसे तैसे दोनों रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती हैं। उनकी हालत देखते ही वहां के लोग उन्हें घूरने लगते हैं। वो दोनों सबसे पहले रेलवे पुलिस के पास जाती हैं और उन्हें पूरी हकीकत बताती हैं। कोई नहीं बचा, उस जंगल के अंदर के चुड़ैलों ने सभी को मार दिया, हमारे दोस्त भी मारे गए, कोई नहीं बच पाया। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जामुन ट्रेन को रद्द कर दिया जाए। उनके मुंह से जंगल की सच्चाई सुनकर रेलवे पुलिस भी दंग रह जाती है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है, जिसके चलते सरकार उस पटरी को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देती है। अब उस पटरी से उस जंगल की तरफ कोई ट्रेन नहीं जाती। इसी के चलते ऐसी वारदात दोबारा कभी सुनने को नहीं मिलती।